गिफ्ट बॉक्स में अपने छोटे भाई विकी का कटा हुआ सर देखकर अंजलि पार्टी हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वो पार्टी हॉल में आई तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, पूरा हॉल खाली था। अंजलि की सांसें तेज रफ्तार से चल रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भर आए गले से उसने देव को पुकारा, देव, देव। पार्टी हॉल में कोई नहीं था, लेकिन तभी अंजलि के कानों में एक आवाज पड़ी, मार दिया मैंने उसे, वो चीखता रहा, बचाओ दीदी, बचाओ। कौन हो तुम? सामने आओ, आओ सामने आओ। आऊंगी, सामने भी आऊंगी, लेकिन तुझे तेरी सही जगह पहुंचाने के बाद। अंजलि कुछ कहते कि तभी उसने देव की आवाज सुनी। देव हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। You're so funny, यार, I missed you so much। अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा, देव नैना के साथ स्टेज पर था। अचानक ही एक स्लो म्यूजिक स्टार्ट हुआ। देव और नैना एक दूसरे के करीब आकर डांस करने लगे। दोनों को साथ में देखकर अंजलि को बुरा लगा। देव, ये क्या कर रहे हो तुम? अंजलि चिढ़ते हुए बोली। देव ने अंजलि की बात का जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। देव! इस बार अंजलि ने गुस्से में देव का नाम लिया। तभी नैना ने अपने हाथ हवा में उठाए और हॉल में चल रहा म्यूजिक एकदम से बंद हो गया। क्या हुआ, म्यूजिक क्यों बंद किया? देव ने पूछा। नैना कुछ नहीं बोली। देव को स्टेज पर छोड़कर वो अंजलि के पास आई और धीरे से बोली, चिल्लाओ मत, यहाँ कोई तुम्हें नहीं सुनने वाला, और मैं अपने देव के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। अपने देव के साथ? तुम बोल क्या रही हो नैना, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग तो ठीक है, तुम अपना सोचो। नैना ने कहा और मुस्कुराने लगी। तभी देव स्टेज से नीचे उतरा और नैना के पास आकर बोला, तुम क्यों इस पागल के मुंह लग रही हो, चलो ना डांस करते हैं। देव ने कहा और नैना का हाथ पकड़कर वापस स्टेज की तरफ जाने लगा। तभी अंजलि ने आगे बढ़कर देव का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। देव, देव मेरी बात सुनो, बाहर एक एक बॉक्स में तुम मेरे साथ चलो, अंजलि ने भर आए गले से कहा। देव पर अंजलि की किसी बात का असर नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, हाथ छोड़ो मेरा, तंग आ चुका हूं तुमसे मैं, पागल हो तुम, सुना तुमने, पागल हो तुम, पागल। ऐसे क्यों बोल रहे हो देव, मैं पागल नहीं हूं। तुम पागल हो, देव ने गुस्से में कहा और अंजलि को धक्का दे दिया। अंजलि फर्श पर जाकर गिरी। उसे समझ नहीं आया कि देव उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देव के इस रवैये के चलते अंजलि को रोना आ गया। तभी उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब देव और नैना पार्टी हॉल में नहीं थे। ये सब हो क्या रहा है, अंजलि ने खुद से ही कहा। तभी उसकी नजर हॉल में लगी सेंटर टेबल पर पड़ी, जहां कुछ देर पहले केक काटा गया था। केक की जगह वहां अब गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। अंजलि ने हैरानी से गिफ्ट बॉक्स को देखा। ये बॉक्स यहां कैसे आया? ये कहते हुए अंजलि फौरन ही उठी और टेबल के पास आ गई। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से गिफ्ट बॉक्स के अंदर देख सके कि तभी अंजलि को अपने छोटे भाई विकी की आवाज आई। डरा हुआ विकी तेज आवाज में बोल रहा था, बचाओ दीदी, बचाओ दीदी। विकी की आवाज उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर से आई थी। अंजलि ने फौरन ही बॉक्स के अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विकी उस बॉक्स के अंदर था और किसी से बचकर भाग रहा था। अचानक ही पार्टी हॉल की लाइट्स चली गई। अब चारों तरफ अंधेरा था। विकी फिर से चीखते हुए बोला, दीदी कहाँ हो आप, दीदी दीदी बचा लो मुझे, ये मार देगी मुझे। हाँ विकी, विकी कहाँ है तू? तू ठीक तो है? इतना कहते हुए अंजलि ने अंधेरे में यहाँ वहां देखा कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब पार्टी हॉल में नहीं, अपने घर में है। विकी ने फिर अंजलि को पुकारा। इस बार आवाज छत से आई थी। अंजलि दौड़ते हुए छत पर आई। उसका छोटा भाई विकी एक कोने में छुपकर बैठा हुआ था।
अंजलि को देखते ही वो उठा और आकर उसके गले लग गया। दीदी कहाँ थी आप? मैं कब से आपको आवाज दे रहा था, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मारना चाहती है मुझे। मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। और कौन कौन मारना चाहती है तुझे? अंजलि ने पूछा। वो छत के दूसरे कोने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए विकी ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा, उसके ठीक सामने नैना खड़ी थी। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा। नैना, तुम ये सब कर रही हो? अंजलि के सवाल पर नैना मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। नैना, नैना! अंजलि ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। वहाँ नहीं, मैं यहाँ हूँ, नैना ने कहा। अंजलि ने मुड़कर देखा, नैना ठीक उसी जगह खड़ी थी जहाँ अभी विकी था, लेकिन छत पर अब विकी कहीं नहीं था। विकी? हाँ, नैना, कहाँ है विकी? हाँ, विकी। अंजलि ने घबराते हुए कहा। तभी नैना मुस्कुराई और बोली, विकी मर चुका है। क्या तुम्हें याद नहीं, तुमने खुद ही तो खोला था ना वो गिफ्ट बॉक्स। तुम्हें गिफ्ट बॉक्स के बारे में कैसे पता? अंजलि ने हैरानी से कहा। फिर कुछ सोचते हुए वो आगे बोली, मतलब वो गिफ्ट बॉक्स वो तुमने रखा था? हाँ, तो तुमने मारा है मेरे भाई को? क्यों नैना, क्यों? ये सुनते ही नैना आगे आई और उसने अंजलि की गर्दन पकड़ ली। तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। इस बार नैना नहीं, उसके शरीर में मौजूद वृंदा बोली, मारना तो मैं तुझे चाहती हूँ, लेकिन आसान मौत नहीं दूंगी। तू अपनी आंखों के सामने उन सबको मरते हुए देखेगी जिनसे तुझे प्यार है, एक एक करके मारे जाएंगे, सब के सब मरेंगे और तू बस तमाशा देखेगी, तू रोएगी, तड़पेगी, तुझे तड़पता हुआ देखना है बस, यही सजा है तेरी। अंजलि, ये खौफ की रात है और खौफ की ये रात ना तेरे लिए खत्म होगी और ना ही देव के लिए। हाँ।